तो भाई जे उसे जो है अपना प्रोमो कट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो है रोमन रेंज की एंट्री होती है। मतलब रोमन रेंज ने आते ही तुरंत इंटरप्ट कर दिया बोलने से पहले ही। इसके बाद जो है रोमन रेंज रिंग में आते हैं और वो फैन से कहते हैं भाई मुझे एक नॉलेज करो तुम लोग। फिर उसके बाद कहते हैं पता है तुम्हें क्यों तुम आखिर जे उसे को पसंद करते हो? क्यों? क्योंकि वो उसका कारण मैं हूँ, मेरे कारण जे उसे आपको पसंद करता है और आप जे उसे को पसंद करते हो। अगर ट्राइबल चीफ इस शो को चला रहा है तो वही शो की शुरुआत करेगा ना। अब फिर उसके बाद रोमन रेंज जो उसको से कहता है कि भाई तुझे क्या लगता है कि तू फैंस को मेरा राइट हैंड मानते हैं? तुझे मैन इवेंट जे उसको बोलते हैं क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, ये सब कुछ मैंने तुझे दिया है। और अब तू सोच रहा है 3 साल बाद कि मैं ट्रैवल चीफ बनूंगा, इस पद पे बैठूंगा, ये सोच रहा है तो ये ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बाद जे उसो की टर्न आती है। जे उसो कहता है भाई मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें सपोर्ट किया, जो एक परिवार के लिए करना चाहिए वो मैंने ये किया, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछे क्योंकि तुम एक ट्राइबल चीफ हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था। लेकिन भाई तूने परिवार का भरोसा तोड़ दिया, और तो और भाई तुमने जिमी उसो को चोटिला कर दिया जिस वजह से जिमी उसो हॉस्पिटल में है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं जिमी उसो के पिटने के कारण जिमी उसो हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसके कारण भाई तुम ही हो। जे उसो ने सबसे पहले मेरे से चैंपियनशिप मैच मांगा था, लेकिन मौका किसको मिला? जे उसो को। जब तुम राइट हैंड मैन बने, राइट हैंड मैन तुम इसलिए बने क्योंकि जिमी चोटिला था, इंजर्ड था उस टाइम पर, अगर वो होता तो तुम्हारे पास ये मौका नहीं होता, और तुम्हारी वजह से जिमी उसो के पास से ये मौका चला गया। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुमने ही अपने बड़े भाई को धोखा दिया है, यानी कि जिमी उसो को। और जब मैं तेरे को हराऊंगा तो फिर तू इस लेगेसी और हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनने वाला। मान लेते हैं कि अगर तू मुझे हरा भी देता है तो इसका अर्थ ये है कि भाई तुम टाइटल और ट्रैवल चीफ का हार ले लोगे, लेकिन भाई ये तो तुम अब भी ले सकते हो क्योंकि इसके बिना मैं रोमन रेंस रहूंगा, और तुम पहली बात तो मुझे हरा ही नहीं सकते। इसके बाद जो उसको कहता है मैं तुमको पहले ही हरा चुका हूँ, मैंने तुम्हें पिन किया, और मैं ऐसा करने वाला एकमात्र स्टार समर स्लैम में मैं दोबारा से हराऊंगा। और ये बात ना भाई गर्दन पकड़ के जे उसने गई थी, जिस वजह से रोमन रेंस को काफी ज्यादा गुस्सा था, जिसका भुगतान जो है जे उसने लास्ट में भरा था, बहुत सही था। और इसके बाद भाई बैक स्टेज जे उसो की मुलाकात ग्रेसन वॉलर से हुई, जहाँ पे वॉलर ने उनकी बेइज्जती करी और फिर से जो है शो पर बुलाया, और जे उसने वॉलर के थप्पड़ मार दिए जिससे ये मैच सेट हो गया मेन इवेंट के लिए। तो ऐसे ऐसे करके मैच सेट होता।